हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब के चैनल पे स्वागत है। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड इनकी तरफ से जो एक एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है, जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 0106/2022 है, और इसमें जो आपका जो एप्लीकेशन इनवाइट की गई है जो फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर मार्केटिंग इन द ऑफिसर कैटेगरी, और इसमें जो आपका फर्दर है, सबसे पहले इसमें देखिए जो आपका पोस्ट कोड ये रहा जो सेकंड नंबर पे है, उसके बाद जो नेम ऑफ द पोस्ट एंड डिसिप्लिन वो है आपका ऑफिसर मार्केटिंग ग्रेड E1। नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी फर्दर जो टोटल 18 है, इसमें जो आपकी PWBD और उसमें OA and OL वहाँ पे आपके लिए इंक्लूड है। नेक्स्ट आता है आपके पास UR कैटेगरी, SC कैटेगरी, सारी कैटेगरी वाइज डिविडेशन है, ये आपका ST, OBC, NCL, EWS, उसके बाद PWBD। तो इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और एज क्या रहेगी, जो आपकी एज ऑन 1/4/2022 तक, जो आपकी है 1/4/2022 तक। सबसे पहले देखिए जो क्वालिफिकेशन क्या है, जो क्वालिफिकेशन रहेगी आपकी वो है आपकी रेगुलर एंड फुल टाइम UGC या आपका AICTE रिकॉग्नाइज साइंस इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ऑफ मिनिमम 3 or 4 years ड्यूरेशन, जो आपका है 2 years रेगुलर फुल टाइम, जो आपका है UGC AICTE रिकॉग्नाइज पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन वन ऑफ द फॉलोइंग। और जो फर्दर है आपका जो MBA मार्केटिंग, जो आपकी स्पेशलाइजेशन एज अ मार्केटिंग, और जो मेजर इसमें MMS में जो आपकी रहेगी मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन और मेजर, उसके बाद आपका जो होता है MBA में जो एग्रीकल्चर बिजनेस और मैनेजमेंट, इफ द आगे सारी जो इक्वेशन दी गई हैं और जो आपकी इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। नेक्स्ट आता है जो मैक्सिमम आपकी जो मिनिमम आपकी परसेंटेज रहेगी वो रहेगी आपकी 60% जो मिनिमम दी गई है, और उसके बाद जो SC/ST कैटेगरी के लिए वो 55%। फर्दर देखिए उसके बाद वहाँ पर एज लिमिट है 34 साल है जो अनरिजर्व्ड के लिए, बाकी जो आपको रिलैक्सेशन मिलेगी कैटेगरी वाइज। उसके बाद आता है जो आपके पास एक्सपीरियंस में क्या रहेगा, आपके पास जो 2 साल का जो सेल्स और मार्केटिंग एक्सपीरियंस जो आपका 1/4/2022 तक, और फर्दर उसके बाद जो है आपका क्वालिफिकेशन में जो आपका फर्दर आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है मिनिमम परसेंटेज वो रहेगी आपकी 60% वही वहाँ पीछे वाला, और जो SC/ST के लिए जो आपका है 55%। एक्सपीरियंस क्या रहेगा, जो मिनिमम 2 साल का आगे जो फर्दर एज ऑन जो आपका सारा, तो ये था हमारा। उसके बाद फर्दर चलते हैं हम जो आगे आपकी जो मैक्सिमम एज है, एज क्या रहेगी आपकी वो 34 साल वो रिजर्व कैटेगरी है। आगे कैटेगरी के लिए आगे जो फर्दर आपको जो रिलैक्सेशन मिलती है, और उसके बाद जो एडिशनल कमीशन फॉर चिल्ड्रन फैमिली मेम्बर्स ऑफ द विक्टिम्स ऑफ 1984 राइट्स 5 ईयर्स, और इसमें जो आगे फर्दर इसमें भी वही है। और नेक्स्ट पे चलते हैं हम अभी, और आगे ये सारी जो एवेपरेशन दी गई हैं और इसके रिगार्डिंग जो आपके फर्दर कैटेगरी वाइज हैं। और उसके बाद जो आपका आता है, जो सारा आता है आपका रिजर्वेशन, कंसेशन एंड रिलैक्सेशन, उसके बाद जो फर्दर आता है आपके पास जो सारे पॉइंट्स हैं ये उसके रिगार्डिंग हैं ये भी, और उसके बाद जो आता है आपके पास जो पर्सनल विद जो पर्सन है आपके जो रिगार्डिंग जो आपके बेंचमार्क डिसेबिलिटीज हैं, उसके बाद जो PWBD ये सारा आप पढ़ सकते हैं। जो फर्दर इंस्ट्रक्शन है, जो डेट ऑफ रीओपनिंग जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है आपका फर्दर, वो है आपका जो आपकी रहेगी जो एक्सपीरियंस और एज शैल बी जो आपका 1/4/2022 और रिमेन अनचेंज अनरिस्पेक्टिव ऑफ जो आपका इरिस्पेक्टिव ऑफ रीजन व्हाटसोएवर। एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी, वो है आपकी नॉन रिफंडेबल फी जो आपकी 1000 रुपये जो है आपका आगे फर्दर दे सकते हैं। और उसके बाद जो है आपका जो आर रिक्वायर्ड बाय टू बी पेड जनरल OBC एंड EWS कैटेगरी एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन, ये आप सारा देख सकते हैं जो फी के रिगार्डिंग है। और उसके बाद जो आपका जो एप्लीकेशन फीस बन पेड विल नॉट बी रिफंडेड, तो ये आगे फर्दर ऐसी इंस्ट्रक्शन है तो आप देख सकते हैं। जो नेचर ऑफ ऑफिसर मार्केटिंग ये उसके बारे में है, और जो सैलरी एंड बेनिफिट जो साथ में आपको कई बार कुछ जो भी मिलता है, और जैसे जो आपका फर्दर जो है आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगी वो आपका रहेगा जो ऑनलाइन टेस्ट रिजुअल कैंडिडेट विल रिक्वायर्ड जो आपका सारा जहाँ पे देख सकते हैं फॉर द पोजीशंस ऑफ ऑफिसर मार्केटिंग जो आपका आएगा टेस्ट विल भी जो इन्होंने सेंटर्स बताए हैं जो सिटीज़ के जो भोपाल दिल्ली लखनऊ जहाँ से लेके हैदराबाद बेंगलुरु चेन्नई जहाँ तक सारे जहाँ तक, तो जहाँ पे फर्दर जो है चेंज ऑफ एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग का भी आप कोई रिक्वेस्ट नहीं कर सकते ऐसे सारा फर्दर। उसके बाद जो आता है आपके पास 8th पेज पे चलते हैं, ये सारी उसके रिगार्डिंग जो आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं, और ये हमारा जो डिटेल नोटिफिकेशन है अगर आप यही आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो ये भी वाला सारा सेम है। और उसके बाद अब सेम मतलब जो पीछे है उनकी ही जो आपका जो पीछे वाले जो पॉइंट चल रहे हैं उनकी रिगार्डिंग ही ये आगे जो पॉइंट्स हैं। उसके बाद जो आपका रहेगा पर्सनल इंटरव्यू जो ऑफिसर मार्केटिंग, तो ये उसके रिगार्डिंग है जो बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस जो भी कैंडिडेट्स जो वहाँ पर करेंगे। और उसके बाद आता है आपके पास जो आपका पेपर है फाइनल सिलेक्शन, जो आपका पैरामीटर ऑनलाइन टेस्ट जो रहेगा आपका वो रहेगा आपका
80% राउंडेड ऑफ द टू जो आपका डेसिमल डिजिट जो 02 जो आपका पर्सनल इंटरव्यू 20% और टोटल जो आपका आ गया 100%। नेक्स्ट पे देखिए जो अप्लाई करना है क्या करना है कहाँ से, तो जो इसका लिंक है जब आएगा हम साथ के साथ आपको ऑनलाइन का बता देंगे और अपने डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल देंगे। तो ये आपका प्री अलॉटमेंट मेडिकल एग्ज़ाम। फर्दर जो आता है आपका जो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन है और इसकी जो आगे आती हैं सारी जो पेमेंट ऑफ फी ऑनलाइन मोड जैसे आप जो जब आप करते हैं बाकी की जो एग्ज़ाम पढ़ते हैं वैसे हैं। और ये फर्दर जो आता है आपके पास जो डायमेंशन हैं जो आपकी साइज ऑफ द फाइल रहना चाहिए जो आगे इसके रिगार्डिंग है। और आगे जो आपके हमारे जो ये आपका अगर कोई भी आप जो एक्शन फाउंड गिल्टी और मिसकंडक्ट अनफेयर मीन्स ये उसके रिगार्डिंग है जो एक्शन। और उसके बाद जो आता है जो डिसेबिलिटी के पर्सन हैं उनके लिए जो गाइडलाइन है फर्दर, यहाँ तक ये सारी जनरल इंस्ट्रक्शन हैं जो कैंडिडेट्स के लिए हैं और यहाँ तक ये भी सारी जो आपकी आ गई फर्दर। और इसके बाद जो आपका जो हमने बता दिया जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी रहेगा और जो आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की फीस वो का जो आपकी तो जो आप ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन की जो आपने फॉर्म भरना है वह कैंडिडेट वो है आपकी 23/7/2022 8 AM सुबह। और जब आएगा हम डाल देंगे साथ के अपने डिस्क्रिप्शन में। और इसमें साथ ही जो आपका आ गया जो लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और ऑफ ऑनलाइन अप्लाइंग एप्लीकेशन बाई कैंडिडेट वो है आपकी 12/8/2022 को शाम 5 PM तक। और ऑनलाइन पेमेंट बिल जो आपकी है ओनली ऑनलाइन पेमेंट जो आपकी एक्सेप्ट होगी, कैश पेमेंट नो एक्सेप्ट होगी। उसके बाद जो आता है आपके पास कैप्शन विल बी एक्सेप्टेड ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन। और उसके बाद जो आता है फिजिकल फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन हैं तो आप देख सकते हैं सारी और यहाँ तक सारा। और जो जो था हमारा जो हमारा डिटेल नोटिफिकेशन था जो हमारा एडवर्टाइजमेंट में जो आपकी जो पोस्टें निकली थी जो हमारी राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेशन के साथ। और अगर आप जो भी हम आपको साथ के साथ जो आपको करवाते हैं जो आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग आगे फर्दर अपडेट आता है अगर आप कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिएगा। कई बार ऐसा होता है आपके शेयर से उनके पास वीडियो पहुँच जाती है, कई बार जिनको नोटिस के बारे में नहीं पता होता। तो और फर्दर जो भी हम एग्ज़ाम्स की तैयारी करवा रहे हैं अगर आप कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके साथ साथ बेल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिए ताकि आपको जो भी हम डालें तो वीडियो आपके सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।